IPL 2020 के ऊपर BCCI की तरफ से आखिरी फैसला आ चुका है और दोस्तों अब BCCI ने IPL 2020 का पूरा कार्यक्रम अब ऑलमोस्ट पूरी तरह से घोषित कर दिया है। और आज इस वीडियो में हम आपको IPL 2020 के सीजन के बारे में A to Z एकदम सारी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों यह सारी जानकारी जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। और अगर आप भी चाहते हो कि IPL 2020 का सीजन इस साल जरूर हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक अभी कर दीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों अगर सबसे पहले हम बात करें तो अभी तक BCCI की तरफ से जो IPL के ऊपर कदम उठाए गए हैं वो दोस्तों यही है कि लगातार BCCI और ICC पिछले काफ़ी दिनों से पूरी तरह से कांटेक्ट में है। ICC ने दोस्तों अब जो हमें खबरें निकल कर आ रही है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से और साथ ही साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल से, दरअसल दोस्तों जो जुलाई अगस्त में कुछ उसी के आसपास जो एशिया कप होना था, एशिया कप पे अब पूरी तरह से खबर आ रही है कि एशिया कप अब इस साल नहीं होने वाला, एशिया कप पोस्टपोन पूरी तरह से होने वाला है। और साथ ही साथ जो अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप होने वाला था उस T20 वर्ल्ड कप को भी अब पोस्टपोन किया जा सकता है। तो दोस्तों अब जो खबरें निकल कर आ रही है वो यही कहती है कि साल 2020 में जो दो बड़े इवेंट्स होने थे यानी कि एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप, वो दोनों के दोनों इवेंट्स इस साल नहीं होने वाले हैं। और इसी वजह से जो ये जुलाई से लेकर आगे जितना भी सारा गैप है तो ये काफ़ी सारा गैप अब IPL के लिए पूरी तरह से खाली हो सकता है और BCCI उसी टाइम पर IPL को कराने की योजना बना रही है। साथ ही साथ दोस्तों अगर उस टाइम पर विदेशी खिलाड़ी अवेलेबल नहीं होते हैं तो कई सारी टीमों ने इस बात पर भी हरी झंडी दे दी है कि हम सिर्फ भारतीय खिलाड़ी को ही खिलाने पर कोई हमें दिक्कत नहीं है। सबसे पहली जो हरी झंडी है, सबसे पहले जो अपडेट आई थी वो टीम राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आई थी। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने दोस्तों एकदम कह दिया था कि अगर सिर्फ भारतीय खिलाड़ी भी हमारी टीम की तरफ से खेलेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, IPL जरूर होना चाहिए जब सारी कंडीशंस नॉर्मल हो जाएगी। और अगर विदेशी खिलाड़ी IPL का हिस्सा नहीं हो पाए तब भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ये राजस्थान रॉयल्स की तरफ से मैसेज आया था। तो अब ये देखने वाली बात होती है कि अगर उस टाइम स्पैन पर IPL होने वाला है तो क्या सारे विदेशी खिलाड़ी इसका हिस्सा होंगे। तो दोस्तों पहले सबसे पहले जुलाई से लेकर सितंबर के बीच BCCI प्लानिंग कर रहा था कि IPL को करवाया जाए। दिक्कत ये आ रही थी कि उस टाइम पर ज़्यादातर विदेशी खिलाड़ी अनअवेलेबल होने वाले हैं और अब अगर एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप कैंसिल हो जाता है तब उस टाइम के आसपास IPL होते हुए हम देख सकते हैं। और उस टाइम पर अगर विदेशी खिलाड़ी अवेलेबल भी नहीं होते हैं तो सिर्फ भारतीय खिलाड़ी को खेलते हुए ही हम IPL में देख सकते हैं। तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या IPL 2020 इस साल हो पाएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्क शेयर कीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।